दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर होल्डिंग स्टॉक को सेल कैसे कर सकते हैं। अगर आपने ग्रो ऐप में स्टॉक को बाय करके रखा हुआ है, आपने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यानी कि डिलीवरी में स्टॉक को बाय करके रखा हुआ है और अब आप प्रॉफिट में हैं और स्टॉक को सेल करना चाहते हैं, और अगर आपको होल्डिंग स्टॉक को सेल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको होल्डिंग स्टॉक को सेल करके दिखाने वाला हूं और इसमें टी पिन क्या होता है, टी पिन की जरूरत क्यों पड़ती है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रो ऐप को ओपन करेंगे, इसमें पिन डालकर ऐप में लॉगिन करेंगे। ऐप में लॉगिन करने पर आपको इस तरह का यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको नीचे की तरफ चार ऑप्शन मिलेंगे, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, पे और लोन्स। आपको स्टॉक्स वाले ऑप्शन में ही रहना है। इसमें सबसे ऊपर आपको इंडिसेस देखने को मिल जाते हैं। इसके नीचे एक्सप्लोर के बराबर में होल्डिंग्स का ऑप्शन दिया है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसमें आपने जितने भी स्टॉक बाय कर रखे होंगे वो सभी आपको होल्डिंग्स में दिखाई देंगे। आप जो स्टॉक डिलीवरी में बाय करते हैं और उसे सेम डे सेल नहीं करते हैं, उसे होल्ड कर लेते हैं, तो अगले दिन से वो स्टॉक होल्डिंग्स में दिखाई देने लगता है। जब आप होल्डिंग स्टॉक को सेल करते हैं तो उसके लिए आपको टी पिन की जरूरत होती है। आप बिना टी पिन के होल्ड किए गए किसी भी स्टॉक को सेल नहीं कर सकते हैं, और जो स्टॉक आप सेम डे बाय करके सेम डे में ही सेल कर देते हैं उसके लिए आपको टी पिन की आवश्यकता नहीं होती है। आप बिना टी पिन के सेम डे में बाय किए गए स्टॉक को सेल कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पोर्टफोलियो में ये दो स्टॉक्स हैं जो कि मैंने डिलीवरी में पहले से बाय करके रखे हुए हैं। मैं इनमें से किसी भी स्टॉक को सेल करूंगा तो मुझे टी पिन के द्वारा सेल ऑर्डर को वेरीफाई करना होगा। जैसे कि NHPC का ये एक शेयर है जिसकी मेरे पास 500 क्वांटिटी है। मैं आपको ये स्टॉक सेल करके दिखा रहा हूं। स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने बाय और सेल के ऑप्शन आ जाएंगे। आप यहां क्लिक करके होल्डिंग डिटेल्स चेक कर सकते हैं। हमने इस शेयर की 500 क्वांटिटी बाय कर रखी है। अभी के समय इस पर हमें 1925 रुपए का टोटल रिटर्न्स मिल रहा है, यानी कि 4.06% का रिटर्न मिल रहा है। आज के दिन इसकी करंट वैल्यू 49,325 रुपए है और इन्वेस्टेड वैल्यू 47,400 रुपए है। अभी के समय इसका मार्केट प्राइस 98.65 रुपए चल रहा है और मैंने इसे 94.80 रुपए के एवरेज प्राइस पर बाय किया था। आपको यहाँ भी बाय और सेल के ऑप्शन मिल जाते हैं। शेयर बेचने के लिए सेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ सबसे ऊपर स्टॉक का नाम और इसका करंट प्राइस शो होता है। यहाँ से डिलीवरी चूज करेंगे, यहाँ पर आपके अवेलेबल शेयर्स दिखाता है। जैसे कि मेरे पास इसकी 500 क्वांटिटी है। यहाँ से स्टॉक एक्सचेंज चूज करेंगे, NSE या BSE। इसमें स्टॉक की क्वांटिटी डालेंगे, आप कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं। आप कम क्वांटिटी भी सेल कर सकते हैं या पूरी की पूरी क्वांटिटी सेल कर सकते हैं। मैंने इसमें पूरी की पूरी 500 क्वांटिटी डाल दी है। आप स्टॉक को लिमिट या मार्केट प्राइस पर सेल कर सकते हैं। अगर आप अपने खुद के प्राइस पर इसे सेल करना चाहते हैं तो यहाँ से लिमिट ऑप्शन को चूज करके इसमें अपना प्राइस डालेंगे। जैसे कि मैंने इसमें 101 रुपए डाल दिए हैं। इसके बाद वेरीफाई सेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको टी पिन के द्वारा सेल ऑर्डर को ऑथराइज करना होगा। अगर आपके पास टी पिन है तो वेरीफाई यूजिंग टी पिन एंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और टी पिन नहीं है तो आपको फॉरगॉट टी पिन इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, जनरेट टी पिन और सेट अ कस्टम टी पिन। अगर आप अपना खुद का टी पिन बनाना चाहते हैं तो सेट अ कस्टम टी पिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वरना आप जनरेट टी पिन इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर SMS के द्वारा 6 अंकों का टी पिन भेज दिया जाएगा, और अगर आपको टी पिन मालूम है तो वेरीफाई यूजिंग टी पिन एंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें टी पिन डालकर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP कोड सेंड हो जाएगा, जिसे इसमें डालकर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका टी पिन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर से सेल पर क्लिक करके ऑर्डर को कंफर्म करेंगे, आपका सेल ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। इसे डन कर देंगे। इसके बाद आप ऑर्डर्स में जाकर चेक कर सकते हैं। अभी ये ऑर्डर पेंडिंग में है। जब तक स्टॉक का प्राइस 101 रुपए तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और ओपन ऑर्डर्स में ही शो होता रहेगा। आप ऑर्डर को एडिट भी कर सकते हैं। ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे,
यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। आप कैंसिल के ऊपर क्लिक करके इस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं और ऑर्डर को एडिट करने के लिए मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऑर्डर ओपन हो जाएगा। अब आप ऑर्डर को एडिट कर सकते हैं। ऑर्डर को एडिट करने के बाद मॉडिफाई सेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका ऑर्डर मॉडिफाई हो जाएगा। इसे डन कर देंगे। और अगर आप स्टॉक को मार्केट प्राइस पर ही सेल करना चाहते हैं तो फिर से ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सेट एट मार्केट प्राइस। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपका ऑर्डर मार्केट प्राइस पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। आप इसके ऊपर क्लिक करके ऑर्डर की फुल डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑर्डर की फुल डिटेल देखने को मिल जाती है। आप स्टॉक्स के अंदर होल्डिंग्स में जाकर चेक करोगे तो अब यहाँ पर NHPC का स्टॉक शो नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं, T-PIN वेरिफिकेशन उसी दिन के लिए वैलिड होता है जिस दिन आपने T-PIN वेरीफाई किया है। आपको एक दिन में केवल एक बार ही T-PIN वेरीफाई करना होता है। इसके बाद आप किसी भी होल्डिंग स्टॉक को सेल करोगे तो आपसे T-PIN वेरीफाई नहीं कराया जाएगा। आप यहां क्लिक करके बिना स्टॉक को सेल करे T-PIN को वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि आप सुबह में एक बार T-PIN को वेरीफाई करने के बाद किसी भी होल्डिंग स्टॉक को बिना किसी रुकावट के आसानी से सेल कर सकें, तो आप वेरीफाई होल्डिंग्स पर क्लिक करके T-PIN को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आप बिना किसी समस्या के होल्डिंग स्टॉक को सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप बिना किसी प्रॉब्लम के होल्डिंग स्टॉक को आसानी से सेल कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इसमें मेरी कोई भी पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड या स्टॉक को बाय करने या सेल करने की सलाह नहीं दी है। मैंने केवल उदाहरण के तौर पर आपको समझाया है। अगर आपको शेयर मार्केट में किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस होता है, इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।